आरंभ करेंगे राहुल गांधी। मणिपुर आरंभ हो मुंबई में यह यात्रा सर जनवरी 14 तारीख रु आरंभ हो भारत न्याय यात्रा मार्च 20 सर यात्रा तेरे एथर न्याय यात्रा मणिपुर सह नागालैंड आसाम मेघालय बिहार ओडिशा छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश मध्यप्रदेश राजस्थान गुजरात दे महाराष्ट्र में शेष हो 14 राज्यर 85 जिला यात्रा जीव एवं मोट 6200 किलोमीटर यह यात्रा संपूर्ण रूपे पदयात्रा होबनी बरंग एही यात्रा रे बस रो व्यवहार करा जीव। राहुल बस रे अधिकांश समय यात्रा करिवे बोली कांग्रेस साधारण संपादक केसी वेणुगोपाल सूचना देछंती। यात्रा बेले राहुल युवक महिला समाज अवहेलित लोकों सहित आलोचना करिवे तीनटी प्रसंग राजनैतिक आर्थिक सामाजिक वार्ता नहीं राहुल को यह यात्रा हेबो। डिसेंबर 28 तारीख कांग्रेस प्रतिष्ठा दिवस अवसर में नागालैंड लोकसभा निर्वाचन पर कैंपेनिंग आरंभ हो नागालैंड रे हे तैयार है हम नारे राली अनुष्ठित हो बाद महाराष्ट्र नागपुर राली रे कांग्रेस सभापति मल्लिकार्जुन खड़गे सोनिया गांधी राहुल गांधी प्रियंका गांधी को समेत टॉप नेता उपस्थित रहिबे बोली सूचना मिली। गत वर्ष सेप्टेम्बर 7 रु कन्याकुमारी भारत जोड़ो यात्रा आरंभ करते राहुल गांधी यह 2023 मसीहा जनवरी 29 रे श्रीनगर शेष होता। All India Congress Committee has decided to hold a Bharat Nyay Yatra from January 14 to March 20th from Manipur to Mumbai. January 14 to March 20th from Manipur to Mumbai. We have done Rahul Gandhi led a yatra from Kanyakumari to Kashmir, traveling 4,500 kilometers. That was a historic yatra in Indian political history. Now Rahul Gandhi is doing a yatra with the great experience from the first Bharat Jodo yatra. Certainly this yatra is going to interact with the youth of this country, women of this country, or marginalized people and different areas of the people. This yatra will cover a distance of 6,200 kilometers. 6,200 kilometers. And it traverses the following states: Manipur, Nagaland, Assam, Meghalaya, West Bengal, Bihar, Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, UP, Madhya Pradesh, Rajasthan, Gujarat, and finally Maharashtra. Basically, 14 states. This yatra is covering 14 states and 85 districts. भारत जोड़ो यात्रा भली भारत न्याय यात्रा आरंभ करने को जाऊँ कांग्रेस और 2024 निर्वाचन पूर्व कांग्रेस पर यह यात्रा बेस गुरुत्वपूर्ण मणिपुर मुंबई पर्यंत यह यात्रा चलो जनवरी 14 रु आरंभ हो मार्च में शेष हो 14 राज्य अतिक्रम कर भारत न्याय यात्रा और 85 जिला जिते यात्रा जीव ओडिशा जाशा दे भारत न्याय यात्रा सामिल होशा एक क्षेत्र में जदि कह बर्तमान समय राज्य कांग्रेस शिविर चलचंचल हो समय कारण आगक साधारण निर्वाचन ओडिशा विधानसभा निर्वाचन से यात्रा बेस गुरुत्वपूर्ण रही ओडिशा कांग्रेस गोटे प्रकार कहीपर कांग्रेस पूरा समस्त नेतृवृंद
एवं समस्त कर्मी याद्वारा आक्टिव हेबे एवं ता सहित गोटे लोकों पाखे जेहेतु सीधासलख पहुंचे राहुल गांधी और समस्या आलोचना करेंगे कौन सब सुविधा असुविधा रोचे युवकों सहित महिला से सहित आलोचना करेंगे निश्चित भाव में मणिपुर यात्रा मुंबईर शेष हो यात्रा बेस गुरुत्वपूर्ण कांग्रेस विशेषकर राज्य कांग्रेस शिविर मध्य चलचल हो सुमंत सुंदर अधिक अपडेट देवाई मो सहित अच्छा सुमंत जानुरी मार्च जाए जो यात्रा भारत न्याय यात्रा भारत जोड़ो यात्रा रे जदिओ राहुल गांधी ओडिशा आसी नथिले किंतु सीधासलख भारत न्याय यात्रा रे राहुल गांधी सामिल होती जोटा कि कांग्रेस को आहरी उत्साहित करपर जो भाई आग को साधारण निर्वाचन अच्छी से दृष्टि यात्रा बेस गुरुत्वपूर्ण कांग्रेस निहित भाव जब आम कहीपर भारत जोड़ यात्रा जो भाव राहुल गांधी करते 14 राज्य परिक्रमा करते तेणु तार सुफल कांग्रेस को मिलता तेणु से ही आधार जब कहीपर जदि ओडार पाली ना कि भारत न्याय यात्रा ओडार पा पड़ी मणिपुर मुंबई तेणु ताड़शार परिक्रमा करेंगे राहुल गांधी तेणु एवं कथी जदि आम कहीपर भारत जोड़ जात सफलता कर्णाटक और तेलंगाना को देखा कर्णाटक गोटे बेल्ट्रे पाखापाखि 50 जन एम एल ए जीतिले जितेबेले राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करते जो थे चाषी युवक छात्र महिला एपटे ट्रक ड्राइवर तेणु सेपटे अटो चालक कार चालक विभिन्न क्षेत्र में काम कर सेक्टर में कॉर्पोरेट सेक्टर में युवक मान भेटी और समस्या को बुझी थे जी आम कही अभिनेता अभिनेत्री जोड़ी होते गृहिणी जोड़ी होते कि अनुरूप भाव में जो भारत न्याय यात्रा हम तेणु एथर से जोड़ी हे जो मैंने साधारण लोक अच्छा चाषी अच्छा युवक अच्छा महिला अच्छा छात्र अच्छा बेकारी बेरोजगारी ठूँ आरम्भ करते बड़े समस्या रही से समस्या विजड़ित तो मनीष मानक राहुल गांधी भेटे बाटे तेणु भारत न्याय यात्रार जो रही मणिपुर मुंबई तेणु ता भितर जो स्टेट गुड़ाक सब रही तेणु ओडिशा से तालिकार रही तेणु से तालिकार सुफलता सफलता कौन रही कि भाव में कार्यकारी हे और केते 24 निर्वाचन सफलता देव तो समय कह कि भारत जोड़ो यात्रा इंपैक्ट सारा देश में पड़ा राहुल सफलता पाई एवं कि कथा आम कहीपर भारत जोड़ो यात्रा जो आम कहीपर 3500 किलोमीटर चली राहुल गांधी 3.5 मास धरी चली यात्रा जो कन्याकुमारी ठू आरंभ हो काश्मीर में सरी जा तेणु विशेषकर कर्णाटक तेलंगाना बड़ इंपैक्ट पकड़ा तेणु जदिव आम कहीपर जो राज्य गुड़क बुले थे से तमिलनाडु केरल कर्णाटक आंध्र प्रदेश तेलंगाना मध्यप्रदेश राजस्थान हरियाणा दिल्ली उत्तर प्रदेश पंजाब यू राज्य गुड़क से परिक्रमा करते कि जितेबाला मणिपुर मुंबई आसवे ओडार पाड़ पड़े ओडार तालिका रही ओडार ना रही तेणु ये किभली भाव में इंपैक्ट पड़ी से समय कह कि सब बड़ कथा हो राहुल गांधी पादर चलिया और एत बाट बुलवा ये गोटे परिक्रमा करवा ये गोटे विशेष करके लोक सहित मिसा समस्त विजड़ित मनुष्य मान भेटा सबुठ बड़ कथा ये मुझे निर्वाचन को दृष्टि रखिकी ये गोटे बड़ इंपैक्ट पकई पारे मैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट मैंने मत रखुं कि राज्य कांग्रेस चलचंचल हो राज्य कांग्रेस चलचंचल होता मैंने उत्साहित रही प्रचार कमिटी अध्यक्ष विजय पट्टनायक प्रदेश कांग्रेस कमिटी सभापति शरद पट्टनायक यहाँ फीडबैक् दे सारे जे यात्रा जितेबाला ओडिशा को सी आसवे एम जोड़ी हेबे सागर चलिए और लोक भेटे और सब बड़ कथा हो कि भाव में 24 निर्वाचन रही कि भाव में गोटे बड़ प्रभाव पकेब ओडिशा तेणु से नहीं कांग्रेस प्रतिक्रिया रखी सुमंत गोटे बड़ कथा होती जिते मणिपुर यात्रा आरंभ हो मुंबई में शेष हो अर्थात जिते बिहार ओडिशा छत्तीसगढ़ यात्रा ए बेल्ट क्रॉस कर तो निश्चित भाव में ओडिशा को मध्य प्राधान्य दि जाऊँच आम देखीचे पूर्व जो निर्वाचन में किभली साउथ इंपैक्ट पड़ा भारत जोड़ो यात्रा रो तो निश्चित यही भारत न्याय यात्रा ओडिशा लोकों पर कारण जहाँ सूचना अच्छी युवक महिला समाज अवहेलित लोकों सहित राहुल गांधी आलोचना करेंगे अर्थात तार इंपैक्ट निश्चित आगामी दिन में हुए तो पड़ पाए एक भी कह जदि आम कहीपर जो भाव में भारत जोड़ो यात्रा प्रभाव रहा दक्षिण भारत में स्वतस्फूर्त लोक समर्थन रहा भितर अनेक वर्गर लोक मैंने भेटिले तेणु केवल क्रीड़ा विभाग नुह कि ग्लामर दुनिया कथा नुहे सब वर्गर लोक राहुल गांधी भेटी टाइम स्पेड कर पादर चली चली लोक सहित निजे वन टू वन कर गुड़ाए राज्यर पदाधिकारी सामिल होते कंटेनर में रोते शीतर समय बिताऊ तेणु अनुरूप भाव में जो जानुरी आरंभ हो चलो मार्च जाए
तेणु कथा हूँ आपड़ जो कथा कहते केते इंपैक्टेबल हम यू राज्य गुड़िक से बर्तमान बुलवे आगू 24 निर्वाचन रही आम देखीचे बिहार रे ओडिशा रे छत्तीसगढ़ रे यू राज्य गुड़िक्रे कांग्रेस स्थिति सेतटा भल ना छत्तीसगढ़ सरकार था सरकार छत्तीसगढ़ पलैसी तेणु आस्थाभाजित हो पारे छत्तीसगढ़ कांग्रेस ओडिशा 20 वर्ष होगा 23 वर्ष हम कांग्रेस क्षमता ना 2000 मसीह तेणु किभली भाव में कांग्रेस आस्थाभाजित हम लोक नेता जोड़ी बर्तमान वरिष्ठ सांबादिक शीतल तरंग बेउरिया सर आम सहित जोड़ी होती श्रीजुक्त बेउरिया स्वागत आपको जो भारत जोड़ो यात्रार सफलता कथा कह तार प्रभाव कथा कह बर्तमान जो जानुरी भारत न्याय यात्रा आरंभ करने को जाउछन्ति राहुल गांधी एवं एक क्षेत्र में ओडिशा रो मध्ये पाली पड़छ अर्थात ओडिशा देकी मध्ये से गस्त करिवे केंति कोन प्रभाव पड़ी पारे बोली आशा जदि प्रकृत रे एटा ओडिशा देकी तांकर जो न्याय यात्रा हवार अछि जदि ओडिशा देकी जाए एटा ओडिशा कांग्रेस पई भलो होबो इन द सेंस जो अछन्ति रैंक एंड फाइल और लोकल लीडर्स अछन्ति तांकु गोटे मोरल बुस्टर भाया गोटे काम दब तेणु यहाँ नित्यांत जदि प्रकृत जाए यहाँ निश्चित भाव गोटे भल खबर फॉर स्टेट कांग्रेस कहीं जानते स्वाती वर्तमान स्टेट कांग्रेस सबुठ बड़ दरकार कि मोरल बुस्टिंग कर रैंक एंड फाइल से माने पूरा डिमोरलाइज हो एक तो बहुत दिन है आउट ऑफ पावर अच्छा दुई रे लास्ट असेंबली इलेक्शन रे तृतीय स्थान को खसी जाइए तीन रे वर्तमान पर्यंत जी कोऑपरेशन मिलवा कथा सेंट्रल गवर्नमेंट रु सेंट्रल लीडरशिप पाखा मिलूनी फोर्थ रे एबे जो तीन टा स्टेट रे इलेक्शन डिजास्टर परफॉर्मेंस कांग्रेस होता तो यह सब दृष्टि मोरल वर्तमान डेफिनेटली डाउन हो स्टेट कांग्रेस लीडर और रैंक एंड फाइल मानकर जदि ए भलिया यात्रा जाए ओडिशा देकी राहुल गांधी यात्रा जाए डेफिनेटली एटा ओडिशा कांग्रेस पई भलो होबो इन द सेंस गोटे मोरल बुस्टर भलिया काम देबो टू फेस द नेक्स्ट इलेक्शंस जो होबो आमर स्टेट असेंबली और पार्लियामेंट इलेक्शन होवार अछि ताकू फेस करिवा पई आउ सेथिरे भलो प्रदर्शन करिया पई गोटे मोरल बुस्टर भलिया एटा गोटे काम देबो देखु महाराष्ट्र जो नागपुर जो राली हम कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे सोनिया गांधी राहुल गांधी सहित प्रियंका गांधी एमाने समस्त सामिल हे अर्थात ये भारत न्याय यात्रा जरिया लोकों पाखे पहुंची युवक महिला अवहेलित जो लोक मैंने सहित आलोचना करेंगे राहुल गांधी तार इंपैक्ट निश्चित भाव में पड़े आसंता निर्वाचन एक कहूँ आम जो आम राज्य कांग्रेस कथ जहां कहले स्थित जो भाव में रही मोराल बुस्त कर कि राज्य मोरल बुस्टर भलिया काम करे तार रिफ्लेक्शन असेंबली इलेक्शन पार्लियामेंट इलेक्शन पड़ीवार जथेष्ट रूल आउट कर किंतु देखा जीव एटा वेरी डिफिकल्ट स्वाती वर्तमान को कहिबा जे यांकर केवल यांकर यात्राटा इंपैक्ट पकई देबो सेटा कहिबा इट विल बी प्री मैच्योर किंतु डेफिनेटली गोटे मोरल बुस्टर हबो जोटा की हुए तो रिफ्लेक्ट हो पारे असेंबली इलेक्शन जोबले निर्वाचन हब राज्य स्टेट असेंबली एज वेल एज लोकसभा इलेक्शन जोबले निर्वाचन हब से इटा डेफिनेटली गोटे गोटे स्कोप मिल भल प्रदर्शन करने तो देखा जीवा आगामी दिन में इंपैक्ट पकाउ श्रीजुक्त बेउरिया तीनटी प्रसंग राजनैतिक आर्थिक सामाजिक बार्ता नहीं राहुल गांधी लोकों पाखक जी अर्थात जो कहे जो परिवर्तन भाषा कहे अबा कहीपर लोकं जो सचेतनता कराइबे राहुल गांधी तार केते इंपैक्ट पड़ पारे कारण आम भारत जोड़ो यात्रा जदि देखीचे साउथ इंपैक्ट पड़ा कि अंपटे देखा जदि अन्य हिंदी बेल्ट्रे जो भाव में स्थित रही है और निर्वाचन परिलक्षित अर्थात यही जो भारत न्याय यात्रा जो प्रसंग करुछंती राजनैतिक आर्थिक सामाजिक तार केते इंपैक्ट पड़ पारे गोटे संभावना रोच नहीं सत्य देखो मत लगुच प्रॉब्लम हूँ कांग्रेस लेट स्टार्टर आगुरी गुड़ा सब कर
କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଅପୋନେଣ୍ଟ ଜଣେ ବହୁତ ଖୁବ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅପୋନେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାନିଂଟା ଟିକେ ଅର୍ଲି ହବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉ କଣ ହଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣାପଡିବ। କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଭାରତ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ହେଇଥିଲା କିଛି ଜାଗାରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡିଥିଲା କିନ୍ତୁ କିଛି ଜାଗାରେ ପଡିନଥିଲା, ତେଣୁ ଏଇଟା ଜଣା ଦେଖାଯିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହିଁ କହିହେବ ଯେ ଏଇଟା ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡିଲା ନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ଭିୟୁ ହଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଥିଲା, ଏତେ ଲେଟ୍ରେ କଲେ ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହୁଏନି। ଇଭିନ୍ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳମାନେ ବି ଏଭଳିଆ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହୁଏନି, ତେଣୁ ଦେଖାଯାଉ କଣ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବେଉରିଆ ମୁଁ ଟିକେ ଅଟକେଇବି, ସୁମନ୍ତ ଆପଣ ପାଖକୁ ଯିବି। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବେଉରିଆ କହିଲେ ହୁଏତ ଆଗରୁ କରିବାର ଥିଲା କଂଗ୍ରେସର ଏହି ଯାତ୍ରା, କାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ମୁଦା ରଖି ପ୍ରସଙ୍ଗ ରଖି ଲୋକଙ୍କୁ ମାଇଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ହୁଏତ ଏତେ ସହଜ ବ୍ୟାପାର ନୁହେଁ, ହୁଏତ ଆଗରୁ କରିବାର ଥିଲା। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ଯୋଉ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ କଣ କହିବା କଥା? ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରେ ବା ବିଳମ୍ବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଏ କଂଗ୍ରେସର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ। କାରଣ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନିର୍ବାଚନ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ଟିକେଟ୍ ବଣ୍ଟନ କଥା ହେଉ କିମ୍ବା ଟିକେଟ୍ ଚୟନ କଥା ହେଉ କିମ୍ବା ଆଶାୟୀମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା କଥା ହେଉ, ସବୁଥିରେ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେ ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ମଧ୍ୟ ଆସ୍ଥାଭାଜିତ ହୋଇପାରୁନି, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା ଶୀତଳ ସାର କହୁଥିଲେ କି ଯେ ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ହେଉଛି, ତେଣୁ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲେ ଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାନ୍ତା ବା ଗୋଟେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଇଥାନ୍ତା କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି କି ଯେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ନେତାମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯାହା, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ହୁଅନ୍ତୁ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଜାନୁଆରୀରେ ଗସ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ କିମ୍ବା ସେକେଣ୍ଡ ୱିକ୍ରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ରାଜ୍ୟକୁ, ସେ ଯେକୌଣସି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ହେଉନା କାହିଁକି, ତେଣୁ ସେଠି ନେତାମାନେ ଟିକେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଆସନ୍ତି, ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ କ'ଣ ରହିବ, କେମିତି ନିର୍ବାଚନ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ରହିବ, କ'ଣ କହିକି ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ଲୋକମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେବେ, ତେଣୁ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଦଳ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ବନେଇଥାଏ। ତେଣୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆଗମନ ନିହାତି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସର ମନୋବଳକୁ ବଢ଼ାଇବ। ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସର ଯେଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ସ୍ଥିତି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ମାତ୍ର 9 ଜଣ ବିଧାୟକ, 13% ଭୋଟ୍ ରହିଛି, 2000 ମସିହାରୁ ଏଯାଏଁ ଦଳ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିପାରୁ ନାହିଁ, ଏଠି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସରକାର ଚାଲିଛି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଏବଂ ଯାହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ନବୀନ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭାବରେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଇପାରୁନି କିମ୍ବା ଆସ୍ଥାଭାଜିତ ହୋଇପାରୁନି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର, ଜେବି ପଟ୍ଟନାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ 2000 ମସିହାଠୁ, ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ, ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜୟଦେବ ଜେନା, କେପି ସିଂହଦେଓ, ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତେଣୁ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ନିଜ ବିଶ୍ୱାସ ଭିତରକୁ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି। ଯଦିଓ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ରହିଛି କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ, କଂଗ୍ରେସ ଏଯାଏଁ ସେ ସୁଯୋଗକୁ ଠିକଣା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରେନି। କିନ୍ତୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଗମନ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆସିବେ, ଏଠି ତାଙ୍କର ସଭା ସମିତି ରହିଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରା ରହିଛି, ତେଣୁ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ମାର୍କେଟିଂ କରାଉଛି, କଂଗ୍ରେସ କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ନେଇକରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚଉଛି, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁମନ୍ତ, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସେଥିରୁ କିଭଳି ଫାଇଦା ନେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖିବାର କଥା। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବେଉରିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ତମାମ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ, ଏବଂ ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଶା ତ ରହୁଛି କଂଗ୍ରେସର ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନାକୁ ସେମାନେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ଉଛନ୍ତି ତାହା ବି ଦେଖିବାର କଥା। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ସୁମନ୍ତ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରା ପରେ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କଂଗ୍ରେସ ତରଫ, ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନିଜେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କହିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆସି ଯାତ୍ରା କରିବେ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆସିବେ ତାର କ'ଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିବ, କିଭଳି ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେବେ, କିଭଳି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ, କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଆଗାମୀ ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦେଖିବାର ବାକି।